हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ चंद्रकला की रेसिपी, जो कि स्वीट रेसिपी है। आप इस होली पर ये रेसिपी ज़रूर बना के देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस होली पर चंद्रकला ज़रूर बनाएं। तो चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें मावा को भूनना है। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम मावा लिया है, मैंने इसे फ्रीज में रखा था। अब इस मावा को हमें मीडियम फ्लेम पर करीब 4 से 5 मिनट तक इसे भून ले। मेरा जो ये मावा है इसमें चीनी पहले से मिक्स किया हुआ है, मार्केट में मिक्स किया हुआ भी मिलता है और मावा जिसमें कि चीनी मिक्स किया हुआ नहीं भी रहता है। तो मेरा ये चीनी मिक्स किया हुआ है, तो आप कोई सा भी मावा ले सकते हैं। अगर आपके मावा में चीनी मिक्स ना हो तो इसमें आप स्वाद अनुसार चीनी ले लें, आधा कप से ज़्यादा। जो 250 ml का कप है उसे आधा कप से ज़्यादा चीनी ले लें। तो मेरे में इसमें चीनी मिक्स किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि खुद घर में मावा बनाएं, तो मैंने मावा की रेसिपी दे रखी है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं मावा की रेसिपी। ये अब हो गया है, मैंने करीब 4 मिनट इसे भूनना है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, इसे ठंडा होने देंगे। अब इसी में हमें 1 चम्मच घी ले लेना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट पहले निकाल सकते हैं भून के। तो मैं यहाँ पर 15 से 20 काजू लेना है, 15 से 20 बादाम लेना है और पिस्ता भी ले सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें वही मिलाएं। तो इस तरह से हमें 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे भून लेना है। मैं इसमें किशमिश डालूंगी, तो किशमिश बाद में मिक्स करेंगे मावा में। मावा को कई जगह पे खोया भी बोलते हैं। ये अब भून गया है, अब इसे हमें मिक्सी जार में दरदरा कर लेना है। मावा ठंडा हो गया है, जो ड्राई फ्रूट था उसे मैंने मिक्सी जार में दरदरा कर लिया है। आप चाहें तो बिना फ्राई किए हुए भी बारीक काट के मावा में मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसे दरदरा कर लिया है। इसमें काजू बादाम और पिस्ता है। अगर आपका मावा चीनी पहले से मिक्स किया हुआ है तो पहले आप इसे टेस्ट कर लें मीठा सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मीठा सही है तो चीनी मिक्स ना करें। अगर मीठा सही ना हो तो इसमें चीनी अगर मिक्स करें तो चीनी को पहले मिक्सी जार में पहले पाउडर कर लें, फिर इसमें मिक्स करना है। चीनी को पाउडर करके ही मिक्स करना है। और इसी जार में मैं चीनी के साथ 4 इलायची को मैंने दरदरा कर लिया है और इसे डाल देंगे। इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत ही टेस्ट को बढ़ाता है, तो इलायची इसमें ज़रूर डालें। अब इसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ, किशमिश को हमने फ्राई नहीं किया है, थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है, आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार मन करेगा इसे बनाने के लिए। मावा को मिक्स करने के बाद हमें इसे छोटे छोटे बॉल्स की तरह बना लेने हैं इस तरह से, और इस तरह से हमें चिपटा कर देना है। ढाई सौ ग्राम मावा में आप करीब 200 ग्राम करीब आप चीनी ज़रूर डालें, हमें पेड़े जैसे बना लेने हैं। देख पा रहे होंगे इस तरह से हमें पेड़े बना लेने हैं। अब हमें इसका आटा लगाना है। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। मैदे में हमें थोड़ी सी नमक डालनी है, आधा चम्मच से कम, चम्मच का चौथाई हिस्सा हम नमक डालेंगे। कोई भी मीठी चीज़ में अगर हम नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें हमें घी से मोयाम करनी है, तो आप घी की जगह रिफाइंड तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम मैदा के लिए आप 50 से 60 ग्राम घी ले लें। अगर आपको 50 से 60 ग्राम ना समझ में आए तो मैं अभी इस तरह से मिक्स करके दिखाती हूँ।
कि आप कैसे समझे कि इसका मोयाम सही है। तो घी को हमें अच्छे से इसमें मिक्स करनी है। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं, 50 से 60 ग्राम तक। आप चाहें तो दोनों हाथों से इसे इस तरह से मसल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं मोयाम चेक करके बता रही हूँ। इस तरह से जब बांधे तो इस तरह से मुट्ठी बनना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे गूंथ लेना है। इसे हम ज्यादा ना नरम गूंथेंगे ना ज्यादा टाइट गूंथेंगे। जिस तरह हमें पूरी बनाने में डो तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह का हमें ये डो तैयार करना है। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल 250 ml कप से 4 भाग का 3 भाग हमें पानी लगा है 250 ग्राम मैदे में। इस तरह से हमें अच्छे से गूंथ लेना है। मैं गूंथने के बाद दिखा रही हूँ। देख सकते हैं 250 ml कप में ये 4 भाग का 1 भाग पानी बचा हुआ है। देख सकते हैं हमने डो को गूंथ लिया है। अगर आप लेट से बनाते हैं तब इस पर थोड़ी सी घी लगा दे और कोई कपड़ा से ढक दे, और अगर आप साथ साथ बनाते हैं तो आप साथ साथ बना सकते हैं। अब हमें चाशनी बैठानी है, अब चाशनी बना लेते हैं। बनाने के लिए आधा कप पानी डाल रही हूँ, ये 250 ml का कप है, और इसी कप से हमें चीनी डालना है 250 ग्राम। इस तरह से 1 कप हमने चीनी लिया है। अब चीनी को हमें चाशनी में मेल्ट होने देना है। हमें चिपचिपा चाशनी तैयार करनी है। इसमें हमें केसर के धागे थोड़ी डाल देनी है। अगर केसर का धागा नहीं डालना चाहते हैं तभी भी ये होगा। इसमें केसर का धागे डालना ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ज़रूर डाल दें। अब हमें ये चाशनी, इसमें मैंने 2 इलायची इस तरह से तोड़ के डाल दी हूँ। आप इसमें इलायची ज़रूर डालें चाशनी में, चाशनी में इलायची ज़रूर डालें। अब डो को एक बार फिर से हमें इस तरह से गूंथ लेना है। हम ये साथ साथ बना रहे हैं इसलिए इसमें पपड़ी नहीं बनी है, लेकिन अगर आप लेट से बनाते हो तो आप इस पर तेल या घी ऊपर से लगा दें और कोई सूती कपड़ा से इसे ढक दे। इस तरह से बना लेने के बाद हमें पानी को उंगली में लगा लेना है। पानी को उंगली में इस तरह से लगाकर हमें पूरी के चारों तरफ इस तरह से हमें लगा लेना है। अब बीच में हम जो ये मावा का पेड़े बनाए थे तो एक पेड़ा लेकर इसके बीच में हमें रखना है, और इस तरह से दूसरी वाली जो पूरी है इस तरह से हमें चिपका देनी है। इस तरह से चिपकाने के बाद अब हमें इस साइड से इस तरह से हमें मोड़नी है, जिस तरह हम गुजिया बनाते हैं। इस तरह से हमें इसमें डिजाइन बनानी है। देख पा रहे होंगे, इस तरह का हमें डिजाइन बना लेना है। अब हमें इसे फ्राई करना है, उससे पहले हम चाशनी को देख लेते हैं। ये चाशनी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हाथ में इस तरह से ले, आपको चिपचिपा महसूस होगा। हमें इसी तरह का चाशनी चाहिए। अब कढ़ाई में मैं यहाँ रिफाइंड तेल में फ्राई करूँगी, आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने लो पर रखा है, अभी हम और 4-5 चंद्रकला बना लेंगे तब फ्राई करेंगे। इसमें मैंने एक तरीका पूरी
बनाकर उसे ज्वाइंट करना बताया है। अब मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। इस तरह से हमें रोटी जैसे बड़ा चपाती जैसा हमें बेल लेना है और इस तरह से गिलास या कटोरी की मदद से इस तरह से हमें शेप बना लेना है पूरी का। अब मैं दिखा रही हूँ आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद अब हमें पानी से एक पूरी के ऊपर इस तरह से पानी लगा देना है और एक ये मावा का पेड़ा रख देना है और दूसरे पूरी से हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये जो मैं चंद्रकला बना रही हूँ इसमें 20 से 22 चंद्रकला बनेंगे। फिर से पानी लगा देना है पूरी में और हमें एक पेड़ा रख देना है मावा का और दूसरे से हमें चिपकाना है। इस तरह से सभी को हमें बना लेना है और एक मैं पास से करके दिखा रही हूँ। इस तरह से चिपकाने के बाद इस तरह से मोड़े। इस होली आप जरूर बनाएं, चंद्रकला आपको पसंद आएगी। देख सकते हैं मैंने तेल पहले से रखा था तो मैं थोड़ा सा डालकर दिखा रही हूँ किस तरह का तेल आना चाहिए, किस तरह का तेल होना चाहिए। ये जो हमने आटा का गोली डाला ये ऊपर अभी तक नहीं आया है तो हमें इस तरह का ही तेल चाहिए जिस तरह हम गुलाब जामुन बनाते हैं, बस उसी तरह का हमें तेल गर्म चाहिए। अब इसे हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। अब इसे पलट कर देखेंगे दूसरी तरफ इस तरह का, तो इस तरह का होने से हमें नहीं पलटना है, जब गोल्डन कलर हो जाए तब हम इसे पलटेंगे। अब हमें पलट देना है, देख पा रहे हो गोल्डन कलर आ गया है तो हमें दोनों तरफ से इसी तरह हमें पकाना है। ये मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा, देख पा रहे होंगे। अब इसे हमें निकाल लेना है। निकालने के बाद अब हमें चाशनी में डाल देना है। इस तरह से चाशनी में सिर्फ डालेंगे और हमें इसे निकाल लेना है, इसे इसमें नहीं छोड़ना है। इस तरह से दोनों तरफ से हमें चाशनी इस पर कोट कर देना है और निकाल लेना है। इसी तरह से हमें फ्राई करके चाशनी को कोट करना है। पूरा बनने के बाद दिखा रही हूँ। चंद्रकला बनके तैयार है। अगर आप इसे और अच्छी तरह सजाना चाहते हैं तो इस तरह का जो चांदी का वर्क आता है आप उसे लगा सकते हैं ताकि और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। इस तरह का आता है, इस तरह से हमें लगा देना है। इससे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चंद्रकला की रेसिपी कैसी लगी। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी, तो आप भी इसे घर में बनाइए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी पिस्ता डाल रही हूँ ताकि ये और अच्छे से दिखे। आप इसके जगह काजू भी रख सकते हैं, बादाम भी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।